My dear students, let us study Vyanjan Sandhi. Rule number 8. यदि न के आगे मतलब सामने त या थ हो तो न का अनुस्वार एवं त थ का स्थ या स्थ में हो जाता है, स्थ या स्थ में हो जाता है, जैसे कि महान तड़ाग। अभी देखो रूल के अनुसार न के सामने क्या आ गया है, त आ गया है। ओके, हमें क्या कहा है, त या थ हो तो न का अनुस्वार बन जाता है, वो तो एक हो गया। इसलिए देखो महाम महा के साम ऊपर बिंदु आ गया है और त थ का स्त में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब महान तड़ाग बन गया महान तड़ाग। और एक उदाहरण देखो, पतन अधिक तरुहु, तो न के सामने आ गया है त, तो उसको लग जाएगा स और ऊपर आ जाएगा बिंदु, तो बन गया पतन स्तरुहु। अभी म स्थाने अनुस्वार कैसे आता है वो भी हम देख लेंगे। तो देखो, यदि म के बाद मतलब सामने अंतस्थ या ऊष्म वर्ण, यानी अंतस्थ मैंने बताया है य र ल व, और ऊष्म मतलब जो गर्म शब्द मतलब ऊष्म श श स ह रहे, तो उसका म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण देखो, विद्याम अधिक लभते, विद्यान लभते, तो म का जो व्यंजन है म तो उसका बिंदु बन गया, और ल ल क्या है, इधर अंतस्थ वर्ण है ना, तो जब अंतस्थ वर्ण म के सामने आ गया तो बिंदु में परिवर्तन होके विद्याम लभते बन गया। अभी आगे का देखो, सम अधिक हारहा संहारहा, और एक देखो, सत्वरम अधिक याति सत्वरन याति। ओके, सम अधिक हारहा में म के सामने आ गया है ऊष्म वर्ण ह, है ना, तो बन गया संहारहा। सत्वरम अधिक याति, य है अंतस्थ वर्ण, इसलिए सत्वरम याति बन गया। कभी भी आप क्या कर लो, नियम अच्छी तरह से पहचान लो। अगर नियम समझ में आ गया कि कौन सी संधि है, ये हमें मतलब नहीं है, नियम आना चाहिए। ओके, पूर्व पद का अंतिम शब्द क्या है और उत्तर पद का पहला शब्द क्या है, ये देख लेना है। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 10। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं मालूम है ना सबको, 25 सब स्पर्श व्यंजन है ना, क से म तक रहे तो म का क्या हो जाएगा, देखो अनुस्वार या उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाएगा। जैसे किम करोषि, ओके, अभी देखो म के सामने, म जो व्यंजन है उसके सामने क का वर्ग आ गया है, मतलब क आ गया है। अभी क वर्ग का अनुनासिक वर्ण देखो, क ख ग घ ङ, ओके, तो क्या हो जाएगा, क का अनुनासिक वर्ण जो है उधर वो आ जाएगा म के बदले में, तो बन गया किं करोषि, बन गया किं करोषि। ओके, अभी देखो, शत्रुम अधिक जहि, शत्रुम म धन जहि, ओके, अभी झ बोलो, च छ ज झ ङ, ङ जो है वो च वर्ग का अंतिम वर्ण है, मतलब अनुनासिक वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा, ज के साथ क्या जुड़ जाएगा, ङ जुड़ जाएगा म के बदले में, तो हो गया शत्रुंजहि, है ना, शत्रुंजहि। या कि आप अनुस्वार लगा सकते हो या ही आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि अनुस्वार मत लगाओ,
उस अनुनासिक मतलब उस वर्ग का जो अनुनासिक शब्द है उसको लिखो, तो आपके जो गुण हैं वो बढ़ेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी देखो मधुरम भाषते, मधुरम भाषते, ओके भ, भ कौन से वर्ग का है, प फ ब भ म, मतलब भ जो है वो प वर्ग का है। अभी प का अंतिम वर्ण मेरे साथ बोलो, बोलिए प फ ब भ म, ओके तो प का अंतिम वर्ण क्या है, म है, तो म उसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे मधुरम भाषते, मधुरम भाषते, ठीक है। जो दूसरा लिखा है किंग करोशी शत्रुंजशी मधुरम भाषते, इधर सब जो ऑब्लिक दिया है ना, तथा या और, जो दूसरा वर्ण है जो अनुनासिक का शब्द लिखे लिखा है ना वो बहुत अच्छा पड़ेगा और आप वैसे ही लिखो। अभी देखो सम अधिक चारह, ओके अभी सम अधिक चारह, च का वर्ग का अंतिम वर्ण बोलो मेरे साथ, च छ ज झ, तो अंतिम वर्ण क्या है, ङ है, तो इधर आ गया संचारः, ठीक है। आपको सबको ये बात समझ में आ रही है ना, हाँ अभी मैं बहुत सारे उदाहरण आपको देने वाली हूँ। अभी अगला नियम देखो, ह्रस्व स्वर के परे मतलब सामने छ हो तो, ह्रस्व स्वर मतलब मैडम क्या है, अभी ऐसे मत पूछो, ह्रस्व स्वर मतलब इ उ अ, ये स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर है अ इ उ, हाँ तो क्या हो जाएगा, छ हो तो उसका च का आगम हो जाता है, जैसे कि परि अधिक छेदः परिच्छेदः, तो परि करी तो वैसा ही है, छेदः छ आ गया है इसलिए उसको और एक च जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा च, वृक्ष अधिक छाया वृक्ष छाया, परंतु छ किसी दीर्घ स्वर के बाद हो तो च का वैकल्पिक रूप से आता है, जैसे कि उमा छात्रम उमा छत्रम या उमा छत्रम, ओके ठीक है, तभी भी हो रहा है लेकिन वैकल्पिक रूप है ना, अगर परंतु छ किसी दीर्घ स्वर के बाद हो तो च वैकल्पिक रूप से आता है, तो देखो उमा छत्रम बन गया है उधर या उमा छत्रम। अभी और एक देखो अपवाद, अपवाद क्या है, आ या मा के परिवर्ती छ हो तो च निश्चित रूप से आता है, जैसे आ अधिक छादयति आच्छादयति, इधर ऊपर के नियम के अनुसार खाली स्वर को ही आएगा, वो भी ह्रस्व स्वर को आएगा ऐसे उन्होंने बोला था, लेकिन अपवाद क्या है, आ या मा, अगर उधर दीर्घ ई रही तो नहीं आएगा, है ना, इधर दीर्घ ई तो नहीं आएगा, दीर्घ ऊ रहेगा तो नहीं आएगा, है ना, मा अधिक छिदत मा छिदत, तो ये आपको नियम समझ में आ गया। चलो अभी अगला देखेंगे, उत के बाद स्था या स्तंभ धातु के स का लोप हो जाता है, ओके अभी उत जो प्रीफिक्स है उसको देखो, उत अधिक स्थापनम उत्थापनम, ओके उत अधिक स्थापनम उत्थापनम, तो जो वो स्था है वो अभी किस में बदल रहा है, जो जो उधर जो स है ना वो उसमें त में बदल रहा है, तो बन गया उत्थापनम, उत अधिक स्तंभितम उत्तमितम, क्या हो जाए रे, उत्तमितम, ओके तो उधर त का जो जो स है ना वो चला जाके उधर त आ गया है, और एक त आ गया है आपको नहीं दिख रहा है, देखो उधर त के सामने एक रे एक लाइन लगी है ना, दिख रही है, तो वो जो है उत्तमितम, ओके अभी देखो, हाँ क के बाद स्वर्ण स्वर स्वर्ण या वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ या ह हो तो क का ग हो जाता है, जैसे कि अभी एक नियम अच्छी तरह से जान लो, क के बाद स्वर वर्ण, ओके क के बाद मतलब क जो व्यंजन है उसके सामने
क्या आ जाए तो स्वर वर्ण। देखो अभी वाक आडम्बर आ स्वर है, वाक ईश ई स्वर है, प्राक एव ए स्वर है, दिक गज ग में भी अ है। और अभी देखो आगे सम्यक वदति व में भी अ है। अभी देखो वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो अभी दिक अधिक गज इधर जो है तीसरा वर्ण है। देखो किसका तीसरा वर्ण है वो भी देखो, वर्ग का तीसरा, वर्गों का तीसरा मतलब कौन सा भी वर्ग हो सकता है, हाँ खाली इसका वर्ण नहीं है, मतलब क का ही वर्ग आएगा, क का ही तीसरा वर्ग नहीं है, कौन सा भी। अभी इधर उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है दिक अधिक गज में, देखो दिक अधिक गज में ग, ग बोलो क ख ग, तो ग हो गया तीसरा वर्ण, मतलब क के बाद स्वर वर्ण, स्वर वर्ण तो जान गए मतलब क्या, क के सामने स्वर वर्ण आ गए। तो या क के बाद वर्गों का तीसरा वर्ण आ गया, तो अगर चौथा भी वर्ण आ गया तो भी, चौथा मतलब अभी क वर्ण का चौथा वर्ण घ है, च वर्ण का चौथा वर्ण कौन सा है देखो च छ ज झ, झ है, अगर झ भी आ गया तो। या अभी ट ठ ड ढ वो भी आ गया तो, हाँ या अंतस्थ ह अंतस्थ या ह हो तो क का ग बन जाता है। मतलब अंतस्थ क्या क्या है, अंतस्थ य र ल व उसका भी क्या हो जाएगा ग हो जाता है। अभी इधर देखेंगे हाँ हम क्या क्या हो जाता है। अभी वह जो है वो अंतस्थ है ना, देखिए क्या क्या हो गया पहले से देखेंगे। वाक अधिक आडम्बर तो क का रूपांतर ग में हो गया, ग जो व्यंजन है उसको आ लगा देंगे तो बन गया वागाडबंगर। ओके वाक आडम्बर वागाडम्बर ठीक है। वाक अधिक ईश वागीश तो क का परिवर्तन ग में हो गया, ग को व्यंजन है ग में ई आ गया तो वागीश। प्राक अधिक एव बन गया प्रागेव। दिक अधिक गज बन गया दिग्गज। सम्यक अधिक वदति बन गया सम्यग वदति, सम्यग वदति क का ग में रूपांतर होके ग आधा आ गया है सम्यग वदति। ये हो गया रूल नंबर 13। अभी आगे देखेंगे यदि त के बाद स्वर वर्ण या वर्गों का तीसरा, वर्गों का तीसरा बता रहे वर्ग कितने वर्ग है, क वर्ग है च वर्ग है क च ट त प मालूम है ना, क च ट त प वर्ग, हाँ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग क च ट त त वर्ग प वर्ग, तो उन सब का तीसरा वर्ण और उन सब का चौथा वर्ण भी अंतस्थ वर्ण रहे तो त का द बन जाता है। अंतस्थ वर्ण रहे तो चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण रहे तो अभी और एक बार अच्छी तरह से नियम समझ लो। अगर त के बाद मतलब त के सामने स्वर आए तो पहले जो जगत अधिक अंत उधर स्वर आ गया, जगत ईशः स्वर आ गया है, महत ओजः स्वर आ गया है, जयत रथः र क्या है य र अंतस्थ आ गया है, ठीक है। अभी तीसरा और चौथा वर्ण का उदाहरण इधर नहीं है लेकिन हम इधर ला सकते हैं, तीसरा और चौथा वर्ण का भी उदाहरण हम इधर ला के उसको हम बदल सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी इधर देखो जगत अंतः बन गया जगद अंतः, मतलब त का रूपांतर द में हो गया, जगत ईशः जगदीशः, महत ओजः महदोषः महदोजः, जयत रथः जयद्रथः। अभी आगे देखो यदि च या ट या प के बाद स्वर वर्ण या वर्गों का तीसरा, वर्गों का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण
अभी आप अच्छी तरह से ये पहचान लो, जब जब वर्गों का तीसरा कहते हैं, मतलब क का क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का चौथा, क वर्ग का पांचवा वर्ण, च वर्ग का तीसरा, च वर्ग का चौथा, च वर्ग का पांचवा वर्ण, वैसे ही पांचों वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर च ट प के सामने आ गए तो, मतलब लेफ्ट साइड पे जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो है अगर च रहे या ट रहे या प रहे और उसके सामने जो पांच वर्ग है उसका तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ह रहे तो, अंतस्थ वर्ण क्या क्या है, य र ल व, और उसके साथ ह भी रहे तो, ह उष्म वर्ण में है, अगर ह रहे तो च का ज, च आया तो ड ज बन जाएगा, ट आया तो ड बन जाएगा, प आया तो ब बन जाएगा, जैसे कि अच अंतहा अजंतहा, परिव्राट उवाच परिव्राडुवाच, परिव्राडुवाच कैसे बन गया है, आ रहा है क्या याद में, देखो परिव्राट ट है ना, ट ट का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, इसलिए उधर परिव्राट, परिव्राट का बन गया परिव्राड, परिव्राड अधिक उवाच बन गया परिव्राडुवाच, अप अधिक हरणम तो अप अधिक हरणम में प, प का ब में रूपांतर हो जाएगा, इसलिए अब अधिक हरणम बन गया अभरणम। इस तरीके से हमने ये भी नियम जान लिया है, अभी आगे का देखेंगे। यदि क के आगे न या ल हो तो क का ng हो जाता है, क का ng हो जाता है, जैसे दिक् नागः दिङ् नागः, प्राक् मुखः प्राङ् मुखः, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, क का जो पांचवा वर्ण है अनुनासिक जो है ng वो आ जाएगा, कब कब आ जाएगा, जब जब न और ल आएगा, ऊपर के इसमें न आया है और नीचे के इसमें म आया है, ठीक है। यदि क के आगे न या ल हो तो क का ng बन जाता है, प्राक् मुखः प्राङ् मुखः, तो म भी आ गया तो भी उसका क्या हो जाएगा, इधर खाली न और ल लिखा है और म भी आ गया तो भी उसका ng बन जाएगा, क का म बन जाएगा, तो उधर आप उधर लिख लो न या ल या म। यदि त द के बाद न म, न म हो तो, मतलब न या म हो तो त द का न हो जाता है, जैसे कि जगत नाथः जगन्नाथः, तो न का क्या हो गया, त का न में रूपांतर हो गया, तो जगन्न अधिक नाथः जगन्नाथः, तत् नीरम बन गया तन्न अधिक नीरम तो बन गया तन्नीरम, ओके। अभी इधर तो आपने सबने जान लिया, अभी लास्ट रूल देख लो, यदि मय या मात्र आगे हो तो पद के शेष में स्थित वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान में केवल पंचम वर्ण हो जाता है, जैसे कि, ओके आप पहले समझ लो क्या कह रहे हैं, मयम मात्रम आया तो जो पहला शब्द जो है उस शब्द का अंतिम वर्ण जो है, उस अंतिम वर्ण का जो वर्ग है वो वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा। अभी अप अधिक मयम, ओके ठीक है, प वर्ग का अंतिम वर्ण देखो कौन सा है, प फ ब भ म, तो हो गया प का बन गया म, तो अम अधिक मयम बन गया अम मयम, अप अधिक मयम था तो प के बदले में म आ गया, इसलिए अम अधिक मयम बन गया अम मयम। अभी आगे का देखो, अच अधिक मात्रम बन गया अंग मात्रम, तो अच अधिक मात्रम बन गया अंग अधिक मात्रम और बन गया अंग मात्रम। अभी अंग कैसे आया, तो देखो च वर्ग जो है उसका अंतिम वर्ण देखो, च छ ज झ ङ है ना, तो उधर आ गया अंग मात्रम। इस तरीके से हमने व्यंजन सिद्धि के
पूरे नियम जान चुके हैं। और इसके साथ मैं एक पीडीएफ दूंगी व्यंजन संधि और स्वर संधि का, जो आपको सॉल्व करना है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और लिखना है। धन्यवाद। हाँ।